तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर्स दिस साइड द प्यांच एंड वेलकम टू चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस के बारे में, बिकॉज यार आप लोगों की जेई मेन्स के एग्जामिनेशन, जे एडवांस के एग्जामिनेशन एंड हो चुके हैं एंड नाउ द ओनली थिंग इज टू वरी अबाउट काउंसलिंग कि भाई काउंसलिंग कैसे होती है। तो यार देखो, मेरे को भी ना कुछ पता नहीं था काउंसलिंग के बारे में लिटरली यार, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी इनके बारे में सीखा जाना कि काउंसलिंग कैसे होती है, और आज मैं इतना कुछ जानता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ। जो भी मैं बताऊँगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस बताऊंगा, काउंसलिंग कैसे होती है, जेई मेन्स की कितनी तरह की काउंसलिंग होती है, जो भी आपके डाउट्स हों सब क्लियर करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो का। देखो यार, इस वीडियो में ना मैं खाली जेई मेन्स की काउंसलिंग को कंसिडर करूंगा। स्टेट लेवल काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आई वुड श्योरली मेक दी वीडियो फॉर दैट। ओके, तो बात करते हैं जेई मेन्स की काउंसलिंग के ऊपर। देखो यार, जेई मेन्स की काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक होती है जोसा, एक होती है सीसेट। ठीक है, अब भैया जोसा क्या है? तो तुमको यार अगर तुम्हारा ना NTA का रिपोर्ट कार्ड तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम्हारे पास वहाँ पर दो रैंक तुम्हें मिलेंगी। एक रैंक होता है CRL यानी कॉमन रैंक लिस्ट, एंड एक रैंक होता है तुम्हारा कैटेगरी रैंक, जिस भी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो। और अगर तुम जनरल हो तो तुम्हारा वही CRL कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रखे हो, किसी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो, तो वो कैटेगरी रैंक तुम्हारी जोसा में ली जाती है। अब उस रैंक के थ्रू तुम्हें सीट अलॉट की जाती है कॉलेजेस में। ठीक है, और अगर तुम उस सीट से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। मैं जान रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आया, मैं तुम समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर किसी बंदे की EWS वो कैटेगरी का है, ठीक है, EWS कैटेगरी का है, उसकी रैंक 10,000 है, तो वो जोसा में पार्टिसिपेट किया। अब वो जोसा में पार्टिसिपेट किया तो जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 10,000 पे उसको मिल सकते हैं, वो जोसा में उसको शो होने लगेंगे, और वहाँ पर वो अपने प्रेफरेंस भरा जाता है कि आप किस ऑर्डर में आपको सीट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें तुम्हारा सबसे पहला प्रेफरेंस है कंप्यूटर साइंस, तुम पहले CSE डालोगे, दूसरा IT डालोगे, फिर EC डालोगे, फिर EE डालोगे, देन मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल। इस तरीके के ऑर्डर प्रेफरेंस फिल करने होते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें सीट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो लड़का था, उसका EWS कैटेगरी थी, 10,000 उसकी रैंक थी, पहले राउंड में उसको जोसा में MNIT यानी मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद जो NIT है वो उसको अलॉट हो गया, और पहले राउंड में उसको EC मिला, बट उसका पहला प्रेफरेंस CSE था। तो भैया आप क्या करें? तो देखो यार, ऐसे केसेस में ना बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं कि अगर आप उसको अपग्रेड करोगे तो आपकी वो सीट लॉस हो जाती है। तो ये सच, मतलब ये मतलब मिथ भी है, लेकिन आप उसको कह सकते हो कि ऐसा नहीं होता कि आपकी सीट ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, जब आपको दूसरा सीट मिल जाएगा तभी वो सीट ख़त्म होगी। तो अगर मान लो EC आपको पहले राउंड में मिली थी और आपने उसको अपग्रेड किया, जब अपग्रेड होकर दूसरी सीट आपको मिल गई तो ही पहली वाली सीट ख़त्म होगी, अदरवाइज़ वो आपकी रिटेन रहेगी, सस्टेन रहेगी, आपको मतलब ऐसा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राउंड आपने पार्टिसिपेट किया, राउंड वन में आपको जो भी सीट मिली अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फर्दर अपग्रेड के लिए डाल सकते हो, लेकिन अगर आप रैंक के अंदर लाई कर रहे हो तो आपको अपग्रेड में जो भी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीट है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। तो जैसे ही आपको नई सीट अलॉट हो जाएगी, आपको पुरानी वाली सीट जो है वो ऑटोमेटिकली किसी और को दे दी जाएगी, उस केस में आपको जो नई सीट मिली है वो कंसिडर की जाएगी कि हाँ वो सीट मिल गई है। फर्दर फिर अगर आपको वो सीट सेटिस्फाइड है तो आप उस सीट को लॉक कर दीजिए, एंड देन बाकी की जो पेमेंट है वो पेमेंट करके वो सीट आपका हो जाएगा। देन वो कॉलेज बुलाते हैं आपको, फिर वहाँ पर आपको पेमेंट करके जो भी मेस वेस का खर्चा है वो मतलब हॉस्टल फीस सब कुछ देके आप परमानेंटली उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। तो ये प्रोसेस था एडमिशन का। अभी जोसा में क्या होता है ना, वो मैंने बताया आपको CRL आपका कैटेगरी रैंक सॉरी कंसिडर करते हैं वो, और आपका CRL कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अगर जोसा में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके कैटेगरी रैंक के थ्रू आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यार, देखो सपोज करो कि अगर किसी बंदे ने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था और राउंड वन में उससे कोई ब्रांच मिली जो उसको पसंद नहीं था, अब वो क्या किया कि जब वो ब्रांच उसको पसंद नहीं आया ना तो वो उसको अपग्रेड मार दिया, और जब उसको अपग्रेड कर दिया तो यार ऊपर वाली सीट तो खाली हो गई, अपग्रेड करके उसको जो नई ब्रांच मिली अब उस ब्रांच चला गया, लेकिन एक सीट उसकी वैकेंट रहेगी जो उसकी पुरानी वाली थी। उस केस में ये सारी सीट जो खाली हो गई ना, तो अब क्या होगा, अब ये होगा यार कि NITs में सीट तो खाली होगी, लेकिन जनरल केस में देखा जाता है कि वो सीट किसी और को अलॉट कर देते हैं, लेकिन ऐसी कुछ मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें हैं जो खाली रहती हैं NITs में। हो सकता है यार किसी ने एडमिशन ले लिया NIT में बट बाद में उसको पता चला कि यार उसकी ब्रांच अच्छी नहीं थी, और फिर उसको थापड़ मिल रहा था, उसको बिट्स मिल रहा था, या फिर उसको बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे थे, या फिर कहीं और को उसको ऑप्शन मिला तो वो सीट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, विड्रॉ करने के बाद वो वहाँ चला गया, वो सीट तो वैकेंट हो गई। तो यानी सीट कुछ अमाउंट ऑफ सीट जो है ना वो वैकेंट रह जाती है, चाहे वो IITs हो, चाहे वो IIITs हो, चाहे वो NITs हो, चाहे वो GFTIs हो। जोसा आपका इन सभी का काउंसलिंग कराता है, IITs का, IIITs का, NITs का, GFTIs का। आप अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें सीट पा सकते हो, इनमें अपनी सीट को जो है वो लॉक कर सकते हो। अब जब सीट वैकेंट रहेगी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, वो हर साल वैकेंट रहती है,
तो ये जो NITs है ना, अभी जोसा बोलता है ना कि यार अब मैं नहीं कराऊंगा, मतलब जितनी भी इनकी काउंसलिंग हुई थी यार, क्योंकि जनरल है ना 7 राउंड तक ही काउंसलिंग चलती है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 7 राउंड तक चलती है, तो ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है। उसके बाद जोसा बोलता है कि अगर तुम्हारी सीट खाली रह गई यार तो उसका जिम्मा मैं नहीं लेता हूँ, अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो इसके बाद उन्होंने एक और प्रोसेस निकाला जिसको बोलते हैं CSAP काउंसलिंग। ठीक है, CSAP काउंसलिंग जोसा के बाद होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है, इसको हम लोग स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसलिए होता है कि जो भी सीट्स वैकेंट रह गई है यार NITs में, IIITs में, GFTIs में, उसको वो फिल कर सकें। अब यहाँ बच्चे फायदा उठाते हैं, यार याद रखना कि स्पॉट राउंड इज़ नॉट फॉर IITs। ठीक है, स्पॉट राउंड IITs के लिए नहीं है, IITs सिर्फ और सिर्फ जोसा से ही सीट फिल कर देता है। ठीक है, स्पॉट राउंड इज़ स्ट्रिक्टली फॉर GFTIs, NITs एंड IIITs। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी CRL रैंक को कंसिडर करते हैं। जोसा तुम्हारी OBC रैंक, EWS रैंक, SC रैंक, ST रैंक को देख रहा था, लेकिन तुम्हारा जो CSAP राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कैटेगरी रैंक के बेसिस पर तुम्हें कॉलेज अलॉट करेगा। ठीक है, तो यानी तुम्हें CSAP में वो कॉलेजेस मिल रहे होंगे जो तुम्हें चाहिए, इसमें वैकेंट सीट फिल करने के लिए ये CSAP राउंड निकालते हैं, तो CSAP से तुम उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन CSAP से IITs एडमिशन नहीं लेती हैं, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ NITs, IIITs, GFTIs इनका एडमिशन होता है। ठीक है, और CSAP में सिर्फ और सिर्फ CRL रैंक ही काउंट होती है। ये यार पूरा प्रोसेस था कि जिस तरीके से हम अपने एडमिशन करा सकते हैं, फिर काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस ये चीज़ होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, और जो भी चीज़ें आपको पूछनी हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं प्रॉपर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलेंगे यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।